हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिंटैक्स, यानी कि सिंटैक्स के बारे में कि सिंटैक्स किसे कहते हैं, सिंटैक्स की उत्पत्ति किधर से हुई और सिंटैक्स में हम बेसिकली करते क्या हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंटैक्स के सिलेबस के बारे में कि सिंटैक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, और हम सिंटैक्स को इस लेवल से पढ़ेंगे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिशन में आने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए ज़्यादा समय लेते हैं, आइए देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अगर थोड़ा सा इसके हिस्ट्री की बात करूं, तो सिंटैक्स की जो उत्पत्ति हुई थी वो ग्रीक लैंग्वेज सिंटैक्सिस से हुई थी। जो सिंटैक्स की जो उत्पत्ति हुई थी वो ग्रीक लैंग्वेज सिंटैक्सिस से हुई थी, और सिंटैक्सिस बना था दो शब्द से, एक होता है SYN सिन और एक होता है टैक्सिस, यानी कि सिन प्लस टैक्सिस इक्वल टू सिंटैक्सिस। तो देखिए सिंटैक्सिस, तो देखिए सिन का मतलब होता है टुगेदर और टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट या फिर पुट इन ऑर्डर। तो कुल मिलाकर के इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा जो सिंटैक्स की डिफिनेशन बनती है वो ये बनती है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस ही क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंसेस का सही प्रबंध यानी कि अरेंजमेंट करना ही सिंटैक्स कहलाता है। तो सिंटैक्स की कई डिफिनेशन हैं जिन्हें हमें जानना होगा। तो ये तो था आपको, ये मैंने बताया कि सिंटैक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका क्या मतलब होता है। तो आइए अब इसके हम डिफिनेशन को देखते हैं कि क्या क्या इसकी डिफिनेशन है। पहली बात ये लिखा है कि सिंटैक्स सबसे अभिप्राय शब्दों का सही क्रम में रखकर, शब्दों को सही क्रम में रखकर शुद्ध वाक्य की रचना करना ही सिंटैक्स कहलाता है, अर्थात हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। आइए दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात ये लिखा कि वाक्य में शब्दों को उचित एवं सही क्रम में रखकर उनके परस्पर संबंध के अनुसार उचित प्रयोग करना ही सिंटैक्स कहलाता है। दोनों का मतलब एक ही है। तो अब हमारा जो डिफिनेशन आता है जिसको हमको याद करना होता है वो ये है कि द करेक्ट यूज एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल लिखा जाए कि वह रहा है खा। अब इस एग्जाम्पल को देखिए आप कि इसका जो वर्ड्स के जो वर्ड्स मैंने जो इसमें अरेंज किए हैं वो प्रॉपर नहीं है, यानी अपने सही स्थान पर नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या है, ये गलत है। तो इसी को हम सही क्रम में लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि वह खा रहा है। तो जब हमने इस सेंटेंस को इस रूप में लिखा तो ये कहला गया सिंटैक्स, यानी कि ये हमने इस शब्द को हमने जब ये किया यानी कि वह रहा है खा को जब हमने लिख दिया कि वह खा रहा है तो हो गया इसका सिंटैक्स। कहने का मतलब ये है कि करेक्ट यूज एंड प्रॉपर अरेंजमेंट, तो हमने क्या किया, शब्दों का प्रॉपर अरेंजमेंट किया सेंटेंस में, इसी को कहते हैं सिंटैक्स। तो स्टूडेंट्स हमको सिंटैक्स में कुल मिलाकर के 10 से 12 टॉपिक पढ़ना होता है, जिसमें नाउन प्रोनाउन यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं वो आता है, फिर एक इन्फिनिटी और जीरंड आता है, फिर उसमें नॉन फाइनाइट भी आता है, फिर पॉजिटिव केस के भी रूल्स को हमको पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें 10 से लेकर 12 टॉपिक को पढ़ना होगा। तो हम इस टॉपिक को इस लेवल से पढ़ेंगे कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम और इस अगर कंपटीशन की कोई बच्चा तैयारी कर रहा तो वहाँ पर उसको क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएं। मुझे अपना नॉलेज नहीं दिखाना है कि मुझे इसके बारे में कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आती है। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं पढ़नी है, बल्कि हमें वो चीज़ पढ़ना है जो हमारे काम की चीज़ें हैं। तो आइए पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक को इसमें पढ़ना होता है। तो देखिए इसी क्रम में हमें सिंटैक्स के टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे नंबर एक पे सिंटैक्स ऑफ नाउन, फिर सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन, फिर सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल, सिंटैक्स ऑफ वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, हम तीनों एक हेडिंग पढ़ लेंगे, फिर कंजंक्शन और फिर प्रीपोजिशन। तो ये टॉपिक हमको सारे जो है सिंटैक्स के अंतर्गत पढ़ने होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको सिंटैक्स के बारे में बताने के लिए आया था कि सिंटैक्स किसे कहते हैं और सिंटैक्स में हमें क्या पढ़ना होता है और सिंटैक्स में कौन कौन से टॉपिक हमको किस क्रम से पढ़ने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा और आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको अब
एक एक करके सिंटेक्स ऑफ नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सारे रूल्स जो है आपको पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।